नदौली कलाटे चैंपियनशिप में विजेताओं को मिले पुरस्कार। 150 कलाटे वीरों ने दिखाई मार्शल आर्ट में अपनी प्रतिभा। सिलवासा में चल रहे सेंसे कृष्णन मार्टियल आर्ट स्कूल एवं सिटोरियो सैको काई कराटे डू इंडिया द्वारा नरोली माउंट लिट्रा स्कूल में स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जज के तौर पर वेंसी राधा कृष्णन एवं सेंसई रमेश पटेल की उपस्थिति रही, जिनके हाथों विजेता कराटे वीरों को मेडल एवं सर्टिफिकेट दिया गया। इस प्रतियोगिता में सिलेक्ट हुए प्रतिभागी नेशनल लेवल पर आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। रेंशी राधा कृष्णन के मुताबिक नेशनल लेवल की प्रतियोगिता दादरा नगर हवेली में ही दिसंबर महीने में आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ नरोली माउंट लिट्रा जी स्कूल में स्टेट लेवल कराटे चैंपियनशिप स्पायरिंग बॉक्सिंग का रखा गया और इसमें 150 बच्चे ने पार्टिसिपेंट किया है। 100 बच्चे का करीब हो गया है, अभी 50 बच्चे का बाकी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिसमें अच्छे परफॉर्मेंस जो करते हैं उसको नेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। ऊपर से रेफरी सेमिनार और नया बच्चों को जज रेफरी का ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, इसलिए कि बाहर का जो राज्य आने राज्यों को नेशनल यहाँ पे करवाने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। मेरा उम्मीद है कि यहाँ पर सभी बच्चे, सभी सेंसेलो, सभी ऑफिशियल मिलके अगले साल एक नेशनल टूर्नामेंट रखने के लिए हम लोग सब एक टीम बनाए हुआ है। इसमें रमेश पटेल और मैं, मुझे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम इंटरनेशनल सेमिनार जज रेफरी सेमिनार रखा गया था, उसमें हम दोनों में एग्ज़ाम लेकर पास हो गया है लास्ट वीक। तो बाकी ये बच्चों को भी आगे जज और रेफरी का सेमिनार से लिए एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो कराटे एसोसिएशन इंडिया की तरफ से, सीखो के कराटे एसोसिएशन की तरफ से हम लोग नेक्स्ट ईयर यानी 2017 लास्ट में नेशनल यहाँ पर रखा जाएगा।